इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें दो नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। अरे औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना, हे भाई साहब वो महान आदमी था। हाँ बहुत महान था, एक बार आसमान में से उंगली डालकर छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत। पर मुसलमानों से कुछ बोल दो नाराज हो जाते हैं, संगी है संगी 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 है ये। हाँ बैतुल हिकमत, सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है, कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उमर साहब की कहानियां सुनो सर। मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, कोई आर हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पावर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं नहीं वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, 2014 में आए, उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। अरे नहीं वो आप नहीं समझ पाएंगे। और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80% 1870 में, तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलानाओं से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं नहीं कैसे हो गया, तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। ये मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक हैं, फिर 80% गरीब पिछड़े, क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। इतना बड़ा, ये बिंदी देख रहे हैं, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, सर आपको शायद ही ये बिंदु दिखाई पड़ रहा हो, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। दुस्साहस देखिए इनका, आपको ये आकर्षित नहीं करता? आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे बड़े सारे मुस्लिम भाई हैं, उनको मैं देखता हूं किसी को तुरंत गाली देने लगते हैं। तारिक फतेह चोर है, अच्छा क्यों? वो आर्रा का एजेंट है, अच्छा हिंदुस्तानियों का एजेंट है, तो क्यों नहीं बहस करते उससे जाकर? करो, उसको साबित करो कि तुम गलत हो, उसको बुलाओ किसी मजलिस में,
उसके तर्कों को काटो। नहीं नहीं वो शैतान का आदमी है, शैतान इबलीस का आदमी। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। Whenever you are abusing someone, then it is explicitly clear, explicitly, that you are not in a situation to compete with that person. पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में है सर। इतना ऑयल रिजर्वॉयर होते हुए तुम उनके गुलाम हो। 48 में मारा, 56 में मारा, यम किप्पूर के वॉर में मारा, 6 डेज वॉर में मारा, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं, स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट की एयरफोर्स पूरी उड़ा देते हैं। तुम्हें यह चीज आश्चर्य नहीं करती? बस गाली ही देते हो कि इस्लाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, उसमें जिन्ना जैसे लोग कहीं नहीं बैठते सर, वो बैठते ही नहीं। इस्लाम की जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और सर इस्लामिक स्टेट ने इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतनी वर्ल्ड फेमस सर, 5-6 नाम तो मैं आपको गिना देता हूं, बगदाद, कायरो, बार्सिलोना, सेवाइल, डेमस्कस, ये सब फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटियां थी। रेनेसांस की जो पृष्ठभूमि बनी ना सर, वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बनी सर। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों का सपना होता था कि हम इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। अगर इस्लाम का इतिहास देखा जाए 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, और सुप्रीम अचीवमेंट सर, गाइडेंस इतनी जबरदस्त, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। राम एनलाइटेंड है, मोहम्मद एनलाइटेंड है, गुरु गोविंद सिंह एनलाइटेंड है। औरंगजेब ने पूछा, आप संत हैं, आपने हथियार उठा लिया क्यों, और ये आप दाढ़ी और बाल क्यों रखते हैं बड़े बड़े सन्यासियों की तरह? बोले, हम सेंट वॉरियर्स हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म मतलब सिखिज्म नहीं, धर्म मतलब मानवता। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे आपके ऊपर फेंकते, हम तो गोली चला दे तुरंत कि वे कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी, पैगंबर, पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, पैगंबर। मालिक का सीधा हाथ उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिले ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है, चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है, तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में,
इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो, ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे।